क्या सरकार को किसी की निजी संपत्ति पर अधिकरण का अधिकार है? ये बहस लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस बहस पर ये कहते हुए पूर्ण विराम लगा दिया है कि सरकार चाहे तो संपत्ति वितरण पर कानून बना सकती है, लेकिन किसी की संपत्ति को कब्जे में नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला संविधान के अनुच्छेद 39B के दायरे से संबंधित एक मामले में सुनाया है। यह अनुच्छेद निजी संपत्तियों और सार्वजनिक भलाई के लिए संपत्ति के अधिग्रहण और पुनर्वितरण पर राज्य की शक्ति से संबंधित है। अब इसी पर CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 7-2 के बहुमत से फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि 9 जजों की बेंच ने 1 मई को तमाम दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से निजी संपत्ति पर कब्जे का अधिकार छीन लिया है और 46 साल पुराने अपने फैसले को पलट दिया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.